तो नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में स्वागत है। तो चलिए, सबसे पहले आप पेमेंट प्रूफ देख लीजिए, उसके बाद फिर एप्लीकेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन के बारे में बाद में बताएंगे, तो सबसे पहले हम पेटीएम को ओपन कर लेते हैं। तो पेटीएम को ओपन करने के बाद देखिए, अभी मेरा वॉलेट में 66 रुपये 90 पैसे पड़ा हुआ है। तो 66 रुपये मेरे, तो रिफ्रेश कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना पैसा है। उसके बाद आपको दिखा लेते हैं पहले पेमेंट, उसके बाद फिर ऐप की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हम पेटीएम को रिफ्रेश कर रहे हैं। रिफ्रेश करने के बाद आपको इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल देखने के बाद देखिए, ये देखिए कि मेरा वॉलेट में कब 10:43 में 5 रुपया रिसीव हुआ है। तो पहले मैं 5 रुपया रिसीव हुआ है। रिसीव होने के देख लीजिए, पेमेंट आपको दिखा दीजिए। तो इसका देख लीजिए कहाँ से आया है, शार्क आईडी रेफर एंड अर्न, रेफर एंड अर्न। तो यही है मेरा आज के वीडियो के बारे में। तो चलिए, हम इस ऐप को बारे में ऐप के बारे में समझाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। तो उससे पहले आपको क्या करना है, मेरा पेटीएम ट्रीस को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल का आइकन जो दिख रहा है, यहाँ पे आप ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आपको क्या करना है, तो इस डिस्क्रिप्शन जो है, ये हुआ डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ नीचे में आपको ऐप लिंक मिल जाएगा, यहाँ ऐप लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्लिक करना है इसके ऊपर। उसके बाद क्रोम ब्राउजर को खोलना है। उसके बाद खोलने के बाद आपको डायरेक्ट रिडायरेक्ट प्ले स्टोर में आपको रिडायरेक्ट कर देगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद फिर आपको क्या करना है, तो चलिए उसके बारे में फुल प्रोसेस में बताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ ओपन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए, ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आपको आई एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फिर आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आपको नीचे में नेक्स्ट नेक्स्ट जो दिख रहा है, यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट डालते 3 बार क्लिक कीजिएगा। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इसका ऐसा इंटरफेस आएगा, ऐसा इंटरफेस जो हम इन्वाइट किए हैं वो दिख रहा है। तो हम इसको वो दिख रहा है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपको डाल लेना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी फिलअप कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे आप मेल है तो मेल कीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल कीजिएगा। उसके बाद ये कैमरा के यहाँ एक फोटो अपना डाल दीजिएगा, एक इमेज। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम डाल लीजिएगा। नाम डालने के बाद आपका जो नाम है, आप फुल नाम डाल लीजिएगा। उसके बाद जो है जो अपना डाल सकते हैं डाल लीजिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल लीजिएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा, तो ऐसा इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे आपको टिक लगा देना। टिक लगा के एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। ऐसा इंटर यहाँ पे जैसे क्लिक कर जैसे आप क्लिक करते हैं, चेंज पे क्लिक कीजिएगा। चेंज पे जैसे क्लिक कीजिएगा, ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक करना है। ओके पर जैसे क्लिक किया, यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको खोज लेना है कि मेरा आईडी कहाँ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शार्क आईडी है, तो यहाँ पे इसको ऑन करना है। जैसे ऑन कर लिए, जैसे ऑन कर लिए, उसके बाद दूसरा ऐसा इंटरफेस आएगा। तो चलिए, हम ऐप को आप जैसे कि आप रेफर करके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद इस बैनर पे आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा, ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से आप इनवाइट करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो इनवाइट करने का एक टोटल 11 रुपया है। तो 11 रुपया आपको कैसे मिलेगा, सबसे पहले आपको रेफर करना है। जैसे रेफर करेंगे और रजिस्टर कर लेते हैं, तो आपको 5 रुपया मिलेंगे। और आपका दोस्त जिसके पास आप रेफर किए हैं, और वो दूसरे बंदे के पास भेज के उसको अगर इंस्टॉल करवाते हैं, फिर आपको 6 रुपया मिलेगा। इसी तरह करके आपको मिलते रहेंगे। तो उसको यहाँ से इनवाइट करके आप कमा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, अगर पैसा आपको मिल जाएगा तो क्या करना, कैसे रिडीम लगाइएगा, तो सबसे पहले स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा। स्टेटस पे क्लिक करने के बाद फिर आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे तो एक एड्स आएगा, तो यहाँ नो थैंक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए, हम एक बंदे को हम रेफर किया तो हमको 5 रुपया मिला है। तो चलिए, हम रिडीम करके देखते हैं कि क्या बात आता है। रिडीम में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को भी मैं सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए, यहाँ पे रिडीम में क्लिक करते हैं। रिडीम पे क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या इंटरफेस, ऐसा इंटरफेस आया। तो यहाँ बोल रहा है कि आप पहले अपना प्रोफाइल को कम्प्लीट कीजिए। प्रोफाइल कम्प्लीट कीजिएगा तभी आपको जो है ये पैसा रिडीम लगेगा। तो यहाँ पे ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के फिर आपको एकदम डायरेक्ट आ जाना है बैक। बैक आने के बाद यहाँ जो 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे जैसे क्लिक कीजिएगा, ऐसा
इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ऐसा ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको क्या करना है, ये जो थ्री डॉट दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ आप क्लिक कीजिएगा तो ऐसा इंटरफेस आएगा, एडिट दिस कार्ड, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना सब एडिट कर लेना है। एडिट करना है मतलब अपना नाम वो सब चेंज करना है, मोबाइल नंबर नहीं चेंज करना, जो है सब वही कर दीजिएगा, जहां जहां खाली पड़ा हुआ वहां को भर लीजिएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत भर लीजिए, सब जगह वेरीफाई करना, ईमेल आईडी उतना जरूरी नहीं है सब। उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा, फिर अपना यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा सब, यहाँ पिन कोड सब डाल लीजिएगा, ब्लड ग्रुप भी सब डाल लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, इस सेंटर से फिर आपको जैसे कि हम देख सकते हैं कि 141-12 झारखंड डाल लिए, तो इसी तरह करके फिर आपको आगे बढ़ना, आगे बढ़ना देखिए हम डेट ऑफ बर्थ भी भर लिए, तो यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ को स्लाइड कर लीजिएगा। स्लाइड करने के बाद ओके पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद फिर आप अपना लोकेशन सब कुछ चेंज होगा, ब्लड जो लिखा है ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप जो है तो अपना A+ सेलेक्ट कर लीजिएगा, कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे में रिकवरी नेम लिखा है तो वहाँ राज कुछ भी दे सकते हैं। देने के बाद फिर आपको क्या करना है, पब्लिक पब्लिक पर जैसे क्लिक कीजिएगा, तो पब्लिक पे जैसे क्लिक कीजिएगा देख सकते हैं कि पर्सनल कार्ड अपडेट सक्सेसफुल, तो देख सकते हैं मेरा सक्सेसफुल हो गया। तो देखिए ये जो सब जगह खाली था यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा पूरा फुल हो गया, सब भरा गया। इसी तरह करके आप पूरा फाइनल कर लीजिएगा। फाइनल करने के बाद आपको क्या करना है, फिर डायरेक्ट इसी में जाना है, यहाँ पे जैसे जाइएगा फिर आपको बैनर पे क्लिक करना है। बैनर पे क्लिक करने के बाद फिर आपको स्टेटस पे क्लिक करना है। स्टेटस पे क्लिक करने के बाद फिर नो थैंक्स पे क्लिक करना है। नो थैंक्स पे क्लिक करने के बाद फिर रिडीम पर क्लिक करना है। जैसे आप रिडीम कीजिएगा, इंस्टेंट आपका पेटीएम में तुरंत चला जाएगा। देखिए यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल लिखा गया, तो यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करने के बाद फिर आपको देख सकते हैं कि पेटीएम से हम मेरा मैसेज आ चुका है कि आपका पेटीएम वॉलेट में 5 रुपया क्रेडिट कर दिया गया है। तो इसी तरह करके आप कमा सकते हैं। देखिए आप पेटीएम को हम ओपन कर लिए, ओपन करने के बाद फिर पासबुक पे क्लिक करते हैं। पासबुक पे क्लिक करने के बाद वॉलेट पे क्लिक करते हैं, वॉलेट में देख सकते हैं कि मेरा 66.90 रुपया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमको 5 रुपया रिसीव हो चुका है। इसी तरह करके आप वीडियो मतलब आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना पैसा कमा सकते हैं। जितना रेफर कीजिएगा उतना आप पैसा कमाइएगा। तो चलिए आज का वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले मिनट, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है यार। बाय।